रायगढ़ में प्रेस लिखी गाड़ी में गुटखा और तंबाकू की तस्करी करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुटखे की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। लॉकडाउन में अवैध गुटखे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। गुटखा तस्करों द्वारा आए दिन नए तरीके से गुटखा बेचा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सामान के ट्रांसपोर्ट पर बंदिश है, जिसके चलते लोग नए तरीके से गुटखे की तस्करी में लग गए। रायगढ़ में प्रेस लिखी गाड़ी में अवैध गुटखे की तस्करी का मामला सामने आया है। दो लोगों को कोतवाली पुलिस ने गुटखा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर शहर में माल खपाने की फिराक में घूम रहे थे। चेकिंग के दौरान कार में 9 बोरी गुटखा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।